सभी बच्चे ध्यान दें, यहाँ पे नेशनल अचीवमेंट सर्वे का जो है ये 17वां सप्ताह है विषय हिंदी का, ठीक है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे गद्यांश 477 का अभ्यास करने जा रहे हैं, ठीक है ना। बोर्ड में यहाँ पे कुछ सूचना दिया गया है, निर्देश दिया गया है, प्रधानाध्यापक के द्वारा निर्देश दिया गया है, उस निर्देश आदेश को हम लोग पढ़ेंगे। इसी से संबंधित यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, समझ में आया। चलिए आदेश और निर्देश को हम पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ दिया गया निर्देश में सूचना के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प पर गोल घेरा लगाइए, मतलब जो सही होगा विकल्प, जो उत्तर सही होगा उस पे आपको गोला लगाना है। क्या लगाना है? गोला लगा देना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे दिया गया यात्रा कार्यक्रम की सूचना, या किसकी सूचना है? यात्रा के लिए। ये किसके लिए सूचना दी गई है? यात्रा के लिए। किसके द्वारा सूचना निकाली गई है? प्रधानाध्यापक के द्वारा, ठीक है ना। तो आज इसको हम पहले पढ़ेंगे, दिनांक 5/12/2019 को यह सूचना निकाला गया है। किस तारीख को निकाला गया है? 5/12/2019 को। स्थान गुना। गुना क्या है? गुना एक हमारा जिला है, मध्य प्रदेश का गुना जिला है, और गुना से यह आदेश निकाला गया है, ठीक है ना। आदेश में क्या दिया है इसको हम पहले पढ़ लेते हैं। यात्रा है सभी बच्चे 6/12/2019 को दिन के 11 बजे तक गुना रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। गुना से बड़ौदरा जाने वाली रेलगाड़ी साबरमती एक्सप्रेस गुना स्टेशन पर दिन के ही 12 बजे पहुंचे। सभी बच्चे रेलगाड़ी में शिक्षकों के साथ यस बोर्ड कोच में बैठेंगे। रेलगाड़ी की खिड़की से अपने शरीर का कोई भी अंग बाहर न निकाले। सभी को शिक्षक के निर्देशों का पालन करना जरूरी है। दिनांक 8/12/2019 को यात्रा की वापसी शीघ्र होगी। सभी बच्चे अपने साथ एक दिन का भोजन, एक चादर, पानी का बोतल, दो जोड़ी पहनने का कपड़ा अपने साथ लेकर आएंगे। आदेश अनुसार प्रधानाध्यापक माधुशाला गुना मध्य प्रदेश, ठीक है ना। ये प्रधानाध्यापक के द्वारा आदेश दिया गया है, निर्देश दिया गया है कि सभी बच्चे यात्रा के लिए तैयार हो जाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, पहला प्रश्न दिया है यह सूचना किस बारे में है? कौन बच्चे बताएगा यह सूचना किसके बारे में है? यात्रा के बारे में है। बहुत बढ़िया, यहाँ दिया गया है यात्रा के बारे में। यहाँ पे हमारा आसन है, पहला आसन छुट्टी के विषय में, परीक्षा के विषय में, यात्रा के विषय में, खेल के विषय में। यहाँ पे कौन सा नंबर सही होगा? सी नंबर। सी पे हम गोल घेरा बना देंगे, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 2, खिड़की से शरीर का अंग बाहर क्यों नहीं निकालना चाहिए? खिड़की मतलब खिड़की से शरीर का अंग बाहर क्यों नहीं निकालना है? यहाँ पे आसन दिया है, खिड़की टूट जाएगी, खिड़की खराब हो जाएगी, शरीर काला पड़ सकता है। डी नंबर है, अंगों को चोट लग सकती है। क्या हो सकता है? हाँ, शरीर यदि आप खिड़की से बाहर निकालेंगे तो अंग आपका किसी भी अंग में चोट लग सकती है। कौन सा आसन सही होगा? डी। डी पे आप बोल गिरा बनाएंगे। प्रश्न नंबर 3, इस वाक्य में चादर का शुद्ध बहुवचन शब्द प्रयोग किया गया है। इस वाक्य में वहाँ विचार आसन है, पहले आसन में दिया है मोहन बाजार से चादर खरीद कर लाया, दूसरे आसन में दिया है मोहन बाजार से चादर खरीद कर लाया, तीसरा आसन है मोहन चादरा बाजार से खरीद कर लाया चादरा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे कौन सा आसन सही होगा? मोहन बाजार से चादरें खरीद कर लाया, क्योंकि चादरें यहाँ पे बहुवचन शब्द जुड़ा हुआ है। एक वचन का मतलब चादर, और चादरें का मतलब बहुवचन। तो आ गया समझ में? काली बजाई अपने लिए।